हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। तो रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो चेंज कर दिया है। तो क्या है नया इंटरेस्ट रेट और क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पे ऊपर में आप लोग देख सकते हो बहुत सारे टैब मिल जाता है, ठीक है। एक्सप्लोर प्रोडक्ट, ऑफर जोन, मैक पेमेंट, प्रिविलेज, एनआरआई बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लोर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो अकाउंट, डिपॉजिट, कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और बहुत सारे डिपॉजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक का फिक्स डिपॉजिट का वेब पेज में। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया गया है फिक्स डिपॉजिट के बारे में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिपॉजिट अमाउंट जो है 5,000 तक आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो मिनिमम जो है, और मैच्योरिटी पीरियड जो 7 से 10 डेज का मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है। आप लोग मंथली क्वार्टरली बेसिस पे भी ले सकते हो या फिर डायरेक्ट एक बार मैच्योरिटी होने के बाद भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट फॉर डोमेस्टिक और एनआरओ एनआरई फिक्स डिपॉजिट प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इफेक्टिव है फ्रॉम 12 अप्रैल 2022 से ये इफेक्टिव है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रहा नॉर्मल सिटीजन के लिए और ये रहा सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड 7 से 14 डेज 2.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 3%, 15 से 30 डेज नॉर्मल सिटीजन के लिए 2.5 और सीनियर सिटीजन 3%, 31 से 45 डेज 2.75% और फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 3.25, 46 से 90 डेज नॉर्मल सिटीजन के लिए 2.75 और सीनियर सिटीजन के लिए 3.25, 91 से 120 डेज नॉर्मल सिटीजन के लिए 3% और सीनियर सिटीजन के लिए 3.50, 121 से 179 डेज नॉर्मल सिटीजन के लिए 3.50 और सीनियर सिटीजन के लिए 4%, 180 डेज के लिए 4.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 5%, 181 से 269 डेज नॉर्मल सिटीजन के लिए 4.50 और सीनियर सिटीजन के लिए 5%, 270 डेज के लिए 4.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन 5%, 271 डेज टू 363 डेज नॉर्मल सिटीजन के लिए 4.50 और सीनियर सिटीजन के लिए 5%, 364 डेज 4.75 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 5.25, 365 टू 389 डेज नॉर्मल सिटीजन के लिए 5.10 और सीनियर सिटीजन के लिए 5.60, 390 डेज यानी कि 12 मंथ 25 डेज का जो है नॉर्मल सिटीजन के लिए 5.20 और सीनियर सिटीजन के लिए 5.70, 391 डेज टू लेस देन 23 मंथ्स नॉर्मल सिटीजन के लिए 5.20 और सीनियर सिटीजन के लिए 5.70, 23 मंथ्स के लिए 5.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 5.75, 23 मंथ्स 1 डे टू लेस देन 2 ईयर नॉर्मल सिटीजन के लिए 5.25 और सीनियर सिटीजन के लिए 5.75, 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर नॉर्मल सिटीजन के लिए 5.30 और सीनियर सिटीजन के लिए 5.80, 3 ईयर एंड अबव बट लेस देन 4 ईयर जो है 5.45 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 5.95, 4 ईयर एंड अबव बट लेस देन 5 ईयर जो है 5.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 6%, 5 ईयर एंड अबव एंड इंक्लूसिव ऑफ 10 ईयर 5.60 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए 6.10, ठीक है। तो ये था लेस देन 2 करोड़ के बारे में। उसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 करोड़ एंड अबव का दिया गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे पॉज करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये था कोटक महिंद्रा बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।